حياط 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 بات سنو میری ایک منٹ حياط حياط رکو بات سنو میری بس کچھ نہیں سننا مجھے اور میرے پیچھے مت آنا حیات خدا کے لیے ایک دفعہ آرام سے میری بات سن لو ایسا انتقام ڈیزرو نہیں کرتی تم نے جو چاہا تھا ہو گیا مجھے مار دیا خوش ہونا تم حیات ختم ہو گئی حیات چلا کیوں رہی ہو آرام سے میری بات سن لو پلیز حیات ختم ہو گئی حیات ختم ہو گئی ختم ہو گئی क्या कर रही हो पागल तो नहीं होगी दूर हटो मुझसे अभी गाड़ी के नीचे आ जाती हाँ तो फिर अच्छा होता ना जान छूट जाती तुम्हारी तो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो लड़की उससे कोई ताल्लुक नहीं मेरा हयात तुम गलत समझ रही हो क्या गलत समझ रही हूँ मैं हाँ तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है भाई का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है उस लड़की से तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई साफ साफ क्यों छुपाते रहे मुझसे हर बार अपने भाई को बचाने के लिए खुद पर ही इल्जाम मत लो ठीक है हयात देखो वो सिर्फ दुरूप की दोस्त है मेरा उससे कोई ताल्लुक ऐसा कुछ नहीं है मुराद तुम झूठ बोल रहे हो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है किसी लड़की के घर पर कैसे ताल्लुक नहीं है तुम्हारा हयात देखो प्लीज मेरी क्या प्लीज प्लीज कर रहे हो तुम खामोश हो जाओ हयात आप दोनों चुप होंगे एक मिनट के लिए ये सब मेरी वजह से हुआ है वो लड़की मुझे कॉन्टेक्ट कर रही थी मेरा नंबर नहीं मिला तो उस लड़की ने भाई को कॉल कर ली बस ये है सारा मामला भाई सॉरी आप दोनों को मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम है अच्छा तो ये बात है तो फिर मैं खुद जाकर पता कर लेती हूँ सब हाँ ना मुराद की बीवी अचानक आ गई बहुत गुस्से में है देखें बहुत हो गया मैं मजीद झूठ नहीं बोल सकती ओह अच्छा बस ठीक है अच्छा बस याद रखें कल के बाद बिल्कुल नहीं और अगर उसके बाद कोई मसला हुआ तो मैं सब बता दूंगी मुराद को वो आ गए हैं शायद बंद कर रही हूँ कब से रिलेशनशिप में हो तुम दोनों कुछ बताओगी तुम छह महीने साल से वो बात ये है कि सब मेरा कसूर है असल में छह महीने हुए हैं I mean, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ तुम ऐसे आदमी के लिए क्यों परेशान हो जो तुम्हें चाहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं तो अपनी माँ के दुख में हूँ जो इस दुनिया से चली गई है ये घर भी गजल का नहीं है इसकी माँ का था और अब ये परेशान है कि ये कहाँ जाएगी तुम्हें यहाँ देखकर अपसेट हो गई और दुरूग से भी बात नहीं कर सकी मुझे पता नहीं था तुम्हारी अम्मी की डेथ का उसके लिए आई एम सॉरी इसीलिए तो मुराद भाई को कॉल की थी मैंने मगर अंदाजा नहीं था कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा माफी चाहूंगी मैं चलो सब ठीक हो जाएगा अब क्या तुम्हें अब तसल्ली हो गई जो समझना चाहो समझो और हाँ एक बात और ये ना समझना कि मुझे ये कहानी सच्ची लगी तुम्हें क्या सच नहीं लगा हयात हाँ कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया या ये कि वो दुनिया में तन्हा है या ये कि वो परेशानियों में घिरी हुई है एक अजनबी लड़की का तुम्हें बहुत एहसास है बहुत अच्छे सवाल ये है कि उसने सारी दुनिया को छोड़ के तुम्हें ही क्यों फोन किया आधी रात को हयात चिल्लाओ मत चिल्लाऊंगी अच्छा अगर उसने मुझे फोन कर लिया तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है नहीं होनी चाहिए तुम जितनी भी सफाई दे लो कि वो लड़की हमारे बीच नहीं आई लेकिन वो आ चुकी है
अगर ऐसा नहीं होता तो तुम आधी रात को उसके बुलाने पर यहाँ क्यों आए हो? मुझे बताने तक की सहमत नहीं की तुमने। मैंने बस अपना फर्ज अदा किया, इंसानियत के नाते। हाँ, क्या बात है आपकी, आपके दिल में सबके लिए इंसानियत है सिवाय मेरे। हयात फॉर गॉड से खत्म करो बात, गाड़ी में नहीं बैठूंगी। नहीं बैठोगी? बैठो अंदर, बैठो और बिल्कुल चुप बैठना। अच्छा, अच्छा ये तो बताओ तुम वहां कैसे आई? कहीं बाहर थी। हाँ ये तो अंदाजा हो गया, लेकिन कहाँ थी तुम उस वक्त? ये आपका मसला नहीं। ओह क्या वाकई? शायद तुम ये भूल रही हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। तो ये सब क्या है? और वो क्या है? ये तुम्हारा मसला नहीं। हाँ तो ये मेरा मसला नहीं है। हाँ गजल से रिलेटेड है। हयात बस बात को खत्म करो, दैट्स इनफ। ठीक है तो पहले फिर मुझे दिखा दो कि क्या है, ऐसा क्या है जो छुपा रहे हो, दिखाओ मुझे। हयात किस लिए? दूसरी वाली के लिए है ना ये? क्या बात कर रही हो तुम हयात, मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी और को गिफ्ट दे सकता हूं क्या? इसमें गिफ्ट है? ओ, अब ले ही आए हो तो चलो पहना भी देती हूं, लाओ, ताकि सबको दिखती रहे और पता रहे कि यह आदमी किसी और का है, यानी मेरा। वाह, तो अंगूठी से पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा हूं। बिल्कुल, दूर से ही देख के पता चल जाएगा। और ये गजल टाइप की फालतू लड़कियां तुम्हारे पास भी नहीं आएंगी। यानी आज से हम नई शुरुआत कर रहे हैं। खत्म कब हुआ था जो नई शुरुआत होगी? रुको, कहां जा रही हो? कुछ रह गया है, काम अधूरा नहीं करते। जब तक ये गजल की बात क्लियर नहीं हो जाती, काम अधूरा ही रहेगा। या अल्लाह क्या मुश्किल है। हयात दरवाजा खोलो। नहीं खुलेगा ये। हयात दरवाजा खोल दो, पागलों जैसी हरकतें मत करो। लेकिन क्यों? क्योंकि ये कमरा मेरा है इसलिए। ये सिर्फ तुम्हारा कमरा नहीं है, मेरा भी है। मैंने लॉक कर दिया है और नहीं खोलूंगी दरवाजा। बड़ा है, ये कमरा मेरा है इसलिए। मुझे एक जेल में बंद कर दिया और खुद घूम रहा है यहाँ वहाँ, ऐसे नहीं चलेगा। हयात दरवाजा खोल दो, मैं अपने कपड़े लेके चला जाऊंगा, रूम में नहीं रुकूंगा। कोई कपड़े नहीं मिलेंगे, सुन लिया? जो कुछ भी इस कमरे के अंदर है वो यही रहेगा, बाहर कुछ नहीं जाएगा, समझे? स्वीटहार्ट दरवाजा खोलो ना। डार्लिंग दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं, देखो इसका अंजाम बुरा होगा। हाय, मैं तो बहुत डर गई, मुझे तो इतना डर लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ठीक है तो तुम फिर यही चाहती हो? तुम पागल हो गए हो क्या? क्या किया ये तुमने, दरवाजा तोड़ दिया?
इसमें दरवाजे का क्या कसूर था? अगर तुम मेरी बात मान लेती तो ये नौबत ही ना आती मैडम। मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? तुम मेरी बात मानते हो, बस जो दिल में आता है वो ही करते हो। पागल। अच्छा ये तो बताओ खुशबू कैसी लगी? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं पसंद आई। हाँ मालूम था पसंद नहीं आएगी तुम्हें, लेकिन अब आदत डाल लो इसकी। मैं तो कयामत तक आदत नहीं डालूंगी। हाँ और घबराओ मत, मैं 2 दिन में चली जाऊंगी, फिर तुम रहना यहाँ पर अकेले मुराद। हाँ जानता हूँ, चली ना जाओ। देखो तो जरा, गुस्से में आकर दरवाजा ही तोड़ दिया, हद हो गई है। सुनो मुराद, दरवाजा तो अब बंद नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुमने अंदर आने की कोशिश की ना तो बहुत बुरा होगा। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? सुबह सुबह इस तरह उठाते किसी को हाथ? तो क्या तुम चाह रहे थे कि गजल आकर तुम्हें उठाए? अरे किसी ने अपनी रिंग उतार कर लापरवाही से रख दी। सोते से उठकर भी कितना हैंडसम लगता है ये। होश में आ हयात, हटाओ नजरें, मत देखो, मत देखो उसकी तरफ। होती है ज़ुबान। बात सुनो, जा कहाँ रही हो तुम? डेट पर जा रही हूँ। ओह, डेट पर जा रही हैं। और ऑफिस में काम कौन करेगा? मैं कंपनी में पार्टनर हूँ अब, तो अब आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते मुराद सर सलमास। उसकी तरफ देखा नहीं ना। द्रुक मेरी तरफ देखो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ भाई, बस वो दादी से ऐसे ही जरा। क्या हो गया? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगा, फिलहाल कुछ और बात करनी है। ये जो गजल लड़की है इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी तुम भी समझ नहीं पा रहे? जाहिर है, उसके पास या उसके घर में फैमिली का एक भी फोटो नहीं है और उसकी हरकतें भी कुछ अजीब सी हैं। कंप्लीट कॉम्बिनेशन, बड़े मियां छोटे मियां, कितनी जबरदस्त जोड़ी है ना।
क्या फिर से शुरू करना है हाथ? फिर से? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कॉफी मुझे दोबारा पीनी है। कौन सी कॉफी? वो ही कॉफी जो तुम इस लड़की के साथ पी रहे थे मुराद। तुम तो कह रहे थे कि वो बहुत मजलूम है, खुदकुशी कर लेगी, फिर ये कॉफी? तुम्हें जवाब चाहिए? हाँ चाहिए। क्योंकि मुझे यकीन नहीं था। ये कैसा जवाब है मुराद, किस बात का यकीन नहीं था? बेहतर है भाई अब आप सच बता दें। तुम बीच में मत बोलो। ओ क्यों नहीं बोलो, बोलो बोलो दुरुग साहब, तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड का अब तक हमें क्यों नहीं पता चला? हाँ बताना तो चाहिए था मुझे। इंसान की कुछ प्राइवेसी भी होती है दुरुग, हम भी तो तुम्हें जानते थे, समझते थे। चलो तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे बात करते हैं माय डियर वाइफ हयात। जबरदस्त जबरदस्त, अब बात मेरी तरफ घुमा दी तुमने। मुझसे जो एक गलती हो गई थी तुम उसी का ढोल पीटे जा रहे हो। बोर नहीं हो जाते मुराद सरसलमास? मुझे एक काम याद आ गया, चलता हूं। क्या बात है ब्रावो, बहुत अहम बात की है तुमने तो। अच्छा ये तो बताओ कितने दिन हुए? किस चीज को? यानी हमें कितने दिन हुए हैं अभी साथ रहते हुए? हाँ पता नहीं मुझे। तुम्हें नहीं पता? यानी तुम जो हर बात का हिसाब किताब रखती हो उसे इतनी अहम बात का नहीं पता? हाँ मैं बताता हूँ, बहुत कम दिन। हाँ बहुत कम दिन हुए हैं, लेकिन इतना क्लोज मत आओ। अब ठीक है? थोड़ा फासला रखो, कहा ना। कितना फासला? थोड़ा फासला यानी? क्यों कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो बस इसलिए कहा कि कहीं हम उस मौजू से ना हट जाएं जो बात हम कर रहे हैं और बस। अच्छा तो ये बात है। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें फोटोज दिखा सकती हूँ, सबूत है मेरे पास। कोई जरूरत नहीं, मैं ही वो आदमी जो इस तस्वीर में है। तो जल्दी बताओ फिर। नहीं अभी नहीं। अभी बताओ, मुझे झूठ बोलने पर मजबूर मत करो। ओह तो इतनी अहम है वो तुम्हारे लिए? इनफ हयात, बहुत हो गया, जल्दी जान लोगी तुम उसके बारे में। नहीं मुझे इसी वक्त जानना है, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी मुराद। मेरे ख्याल से इंसान को वो बात ही नहीं करनी चाहिए जो वो कर नहीं सकता, क्यों? ठीक कहा ना मैंने? ओह सच में? हाँ बिल्कुल, जाते हुए चालक को भेज देना मेरे पास। देख लेना, बहुत पछताओगे तुम एक दिन। कहाँ हैं घर के सारे लोग? बुलाओ सबको मेरे सामने। हयात कहाँ हो तुम? हयात तुम्हारी माँ आ गई बेटा। हयात कहाँ हो तुम? हयात हशमत साहब जरा तहम्मुल से, क्या हो गया, बैठिए तो सही। क्यों बैठूं मैं, अपने पोती को लेने आया हूँ। हशमत साहब हम बैठ के भी बात कर सकते हैं, बैठे तो चिल्ला क्यों रहे हैं? कहाँ है इसका शौहर? हाँ क्यों आई है ये यहाँ, क्या किया इसने उसके साथ? ये सब आप क्यों पूछ रहे हो, जो बताया है वो काफी नहीं? दारिया तुम मत बोलो, चुप हो जाओ इस वक्त। ये क्या बात हुई, क्यों चुप हो जाऊं मैं? कोई बड़ा गुल खिलाया होगा तभी तो शौहर ने घर से निकाल दिया। बस बंद करो दारिया, याद रखना अगर मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ। क्यों जुल्म होगा, कौन कर रहा है जुल्म? अरे अरे बता देना इन्हें कि लड़के की तरफ से शादी झूठी थी, अब उससे जान छुड़ाना चाहता है ये। दादा अम्मी, ये लड़की तो तमाशा लगाने की आदी है। दारिया मैम क्या कहना चाहती हैं आप? निजात साहब अपने बेगम को संभालें, नहीं तो मेरा दिमाग घूम जाएगा। आप यहाँ आए क्यों हैं दादा जान? तुम्हें लेने आया हूँ यहाँ, और क्यों आऊँगा, चलो मेरे साथ। अशमत साहब आप इसे नहीं ले जा सकते। कौन रोकेगा मुझे भला? अरे इसके शौहर का घर है ये। तो क्या करूँ, देख लिया मैंने उसको भी, मेरे साथ चलो। याद है क्या कहा था, तुम बहुत पछताओगी। नहीं पछताऊंगी दादा। तुम नहीं रह सकती। नहीं रह लूंगी मैं। परेशान हो जाओगी। नहीं होंगी परेशान मैं। अब देख लिया इसका नतीजा। दादा मैं अभी नहीं जा सकती। चलो। क्या हो रहा है यहाँ? देखो तो आ गए असल हीरो, अच्छा होता कि तुम यहाँ ना आते। दादा जान आप मेरी बात तो सुने। रुकिए, मेरी बीवी को कहाँ ले जा रहे हैं? अशमत साहब कुछ भी नहीं हुआ, आप समझ क्यों नहीं रहे? सबसे पहले अपने इस बेटे को समझाओ, फिर अपनी सफाई देना। मेरी बात सुनो। अरे 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 लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी पोती को पकड़ने की? याद नहीं क्या मैंने तुमसे क्या क्या बातें कही थी? इतना सब कुछ समझाने के बाद तुमने मेरी पोती को घर से निकाल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की मुराद साहब? अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर है तो दोबारा याद दिला देता हूँ।
बहुत हो गया, बस करें। आप मुझसे क्या चाहते हैं अश्वथ साहब? हर बार एक ही रट कि मैंने घर से निकाला। हाँ हाँ, तुमने घर से निकाला, वरना मेरी पोती इस घर में क्यों है बताओ जरा। दादा जान, मुराद ने कुछ नहीं किया। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? क्योंकि दादी ने कहा था मुझसे। जी जी, इससे मैंने कहा था। इसकी वजह? क्योंकि दादी चाहती थी कि हम दोनों यहाँ रुकें, लेकिन मुराद को ये पसंद नहीं था, तो बस फिर हम दोनों में थोड़ी तू-तू मैं-मैं हो गई। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मुराद भी यहाँ आ जाएगा। और देखे, मुराद भी आ गया है ना। मुराद, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ है हशमत साहब। तो फिर क्यों बेकार में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया? आई एम सो सॉरी। वो ये सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से हुआ है। आपकी बेटी हमारी बेटी है, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो फिर आप ठीक हैं? मेरा मतलब हयात। जी हयात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। चलो एमने, घर चलते हैं। चलो, परेशान करके रख दिया है मुझे इस मामले ने तो। मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है ना? हाँ, मैंने तुम्हें समझाया भी था। अब सब ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं हयात को लेके जा रहा हूँ। ओके बाय। अरे मुराद, अरे अभी मैंने हशमत साहब से बात की है, ये ना हो कि फिर कुछ हो जाए और वो हमें झूठा समझें। तो क्या फर्क पड़ता है, हमने उनसे झूठ ही तो बोला है ये सब कुछ। चलो हयात, लेट्स गो। नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी मैं। पर्चियों पर लिखा तो था। उन फजूल पर्चियों की बात कर रही हो तुम? फजूल तुम्हारे लिए होंगी। हयात, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम चल रही हो मेरे साथ, कह दिया मैंने तुम्हें। रुक जाओ मुराद। मुराद बेटा, क्या कर रहे हो? देखो सब परेशान हो रहे हैं। आप सब लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? ये हम लोगों का मसला है, हम खुद ही हल कर लेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुन लो तुम। चलो हयात। छोड़ो मुझे। भाई देखें, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। दादी जान क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं होगा आपको। जल्दी से पानी लाओ। दादी जान आके खोलें। हाय है अभी तक। दादी जान, अभी कुछ ही देर में एम्बुलेंस पहुंचती होगी, सब ठीक हो जाएगा। अभी ठीक हो जाएगा, मैं टेंशन में सुबह दवा खाना भूल गई थी। मुराद, तुम मेरे पास यहां रहोगे तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। बेटा, मेरी बात मानो, यहां से मत जाना। हम नहीं जा रहे दादी जान, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हम कहीं नहीं जाएंगे। अब तो ठीक है? चलें, आप आराम करें, हम यहीं हैं। शुक्रिया। तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने वही किया। मैंने क्या किया है? क्या दादी की हालत नहीं देखी तुमने? बताओ, और आखिर तुम यहां पे आई ही क्यों, जरा बताओगी मुझे? तुमने ये चाहा? मैंने ये चाहा? तुम्हें ने कहा था, याद नहीं क्या तुम्हें? मुझे अच्छी तरह याद है जो कुछ मैंने कहा था तुम्हें। हर जगह तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती। मुझे गुस्सा आ जाएगा, बात मत करो मुझसे, तुम्हारा खिलौना नहीं हूं मैं। खिलौना? मैं तुम्हें खिलौना समझता हूं यार? था लड़ाई तुमने शुरू की थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ सेट हो गया था। मैं यहां सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूं। बस करो, बहुत हो गया, एक ही जुमला तुम्हारे मुंह से सुन सुनकर पागल हो गई हूं। मुझे बस तलाक चाहिए, खत्म करो, सब खत्म हो जाना चाहिए। सुबह दोनों तलाक के लिए चलते हैं, समझना कुछ हुआ ही नहीं था। तलाक तो मैं नहीं दूंगा, किसी सूरत भी नहीं, समझ लो। इसका मतलब तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं हयात। तो इतना टूट के मत चाहो मुझे, शायद नफरत सारी जिंदगी चले। नफरत मेरे बस में नहीं। और इसलिए अब हम यानी मैं और तुम इस कमरे में साथ रहेंगे और एक ही बेड पे सोएंगे। ये नहीं हो सकता क्योंकि अब हम मजीद साथ नहीं रह सकते। बात सुनो, तुम यहां इस बेड पर सोगी, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। किसी को इस बात का ना पता चले। किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं सोफे पर सोऊंगी। हयात मैडम, ये आपका है। ये मेरा नहीं है। आप ये रहने दें, मैं फ्राई कर देती हूँ इसे। नहीं, मैं अपने हाथों से खुद दादी के लिए बनाना चाहती हूँ। ठीक है मैडम। क्या जल रहा है किचन में, हर जगह बदबू फैली हुई है। क्या आपको ये खुशबू बदबू लग रही है? हयात मैडम, तुम्हें ये आदत छोड़नी होगी जो तुम अपनी माँ के घर से लाई हो। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन छोड़नी पड़ेगी तुम्हें। क्या बुराई है मेरी माँ के घर में? मैंने कब कहा कि कोई बुराई है? अगर तुम ऐसी खाना बनाती रही तो मुझे बाहर खाना खाना पड़ेगा, जो कि मुझे पसंद नहीं, तो लिहाजा खाना पकाना छोड़ दो तुम। हाँ, अरे वो देखो, नकेट्स तो जला दिए तुमने। लगता है खाना पकाने के लिए तुम्हारी माँ को बुलाना पड़ेगा। तुम्हें तो कुछ आता नहीं। जिन्हें कुछ नहीं आता वो सिर्फ बातें करते हैं। मेरी माँ को बुलाना चाहती है ना यहाँ? हाँ, रुके रुके, ऐसा करती हूँ, दादी को बुलाती हूँ। लेकिन दादी से तो आपकी बनती ही नहीं है, तो किसी अखबार वाले को बुलाएं, उसे बुलाकर दिखाएं और बोलें, आज की हेडलाइंस में ये लिखो कि सलमान खानदान की बहू ने खाने में क्या बनाया है, ये कैसा रहेगा? वाह, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है, क्या बनाया तुमने? लेकिन अभी हम लेट हो रहे हैं, ऑफिस जाके साथ खाएंगे। तुम ऐसा करो, उसे पैक कर लो, ठीक है? बस थोड़ी देर और, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम इन्हें पैक करके ले आओ जल्दी। ये क्या है? याद नहीं तुमने कहा था कि ऑफिस जाकर खाएंगे? मुझे नहीं खाना, तुम ले जा सकती हो। लेकिन क्यों? तुम जानती हो कि मैं क्यों नहीं खा रहा। नहीं समझी मैं। दारिया मॉम की बातें मैंने सुन ली थी, इसलिए वहां आके सब कह दिया मैंने, तो लिहाजा आप इसे ले जाएं। हाँ, कितनी बेवकूफ हूं ना, जानती हूँ फिर भी धोखे में आ जाती हूँ मैं। नहीं, आप तो बहुत स्मार्ट लड़की है मिस हयात। मेरी दादी के दिल तक पहुंचने का ये बहुत अच्छा आइडिया है। खुद नहीं गई थी, बुलाया था उन्होंने। हाँ मैं जानता हूँ, ले जाओ ये सब यहाँ से। तो ठीक है मुराद। बचपना है, क्या किया तुमने? एक पागल बीवी की एक्टिंग कर रही हूँ, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आई? ओ, एक्टिंग कर रही हो, मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो, देख लिया,
ये एक जिद्दी शोहर की एक्टिंग थी, पसंद तो आई होगी तुम्हें। अगर एक्टिंग करनी है तो आधी नहीं पूरी करो, अगर कुछ बर्बाद ही करना है तो पूरी तरह से करो। आप परेशान ना हो, मैं आइंदा ऐसा ही करूंगी, हर चीज तोड़ दूंगी मैं। क्या हुआ, ठीक तो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो हो ना तुम, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तुम तो यहां से बड़े गुस्से में गई थी, चाय की ट्रे फेंक दी थी तुमने, ठीक तो हो ना तुम? कुछ मत बोलो, जाने दो सब कुछ। डिनर पर मिलते हैं रात को। चलो ठीक है। और इससे ज्यादा खुदा से क्या मांगू, शुक्र है उसका आज सारी फैमिली एक साथ है। अच्छा तो इसलिए आज आपने ही लगाया है? बहुत ही शानदार है, यकीनन बहुत महंगा होगा, नया लिया है आपने? अगर ये गिफ्ट है तो बहुत अच्छी चॉइस है किसी की। तुम भी तो देखो ना हयात, कितना खूबसूरत है ये, कितना जच रहा है इनके ऊपर, हशमत साहब का दिया हुआ तोहफा। कैसा तोहफा? मैं अम्मी जान के ब्रोच की बात कर रही हूँ भाई, बताओ ना खूबसूरत लग रहा है या नहीं? दारिया फजूल बातें मत करो, समझ नहीं आता? फजूल बातें नहीं है, मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ निजात। ये ब्रोच हशमत साहब ने गिफ्ट किया है इन्हें, और एक पैगाम भी लिखा है। ये रहा वो पैगाम। अच्छा तो तुम तो मेरे कमरे में गई थी दारिया, शर्म नहीं आई? मुझे क्यों शर्म आएगी, मैंने अपनी बहू के दादा से कोई गिफ्ट थोड़ी लिया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, अच्छी चॉइस है, तोहफा देना बुरी बात नहीं है और ये दादी पर बहुत जचेगा। द्रुक, मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का, क्या जचेगा? क्या तुम तमीज भूल गए हो? जिसके मुंह में जो आता है वो यहां बोल देता है, छोटे बड़ों की तमीज तो सभी भूल चुके हैं। हाँ तो क्या ऐसा ही है दादी जान? दादी जान आपसे पूछ रहा हूं,
दादी जान। बस करो मुराद, वो दादी है तुम्हारी, बाद में बात कर लेना। कहाँ ना तुमसे, ये हमारा खानदानी मसला है, बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। सुन लिया? हाँ ठीक कहा। भाई आपने ये क्या किया, कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? देख रहे हो ना तुम दुरुग बेटा, कुछ भी करो सच एक ना एक दिन सामने आकर ही रहता है। शुक्रिया आपका सच बताने का, मैं आपकी बात सिर्फ इसलिए सुनता हूँ कि दुरुग मेरा भाई है। ओके, आप कभी बात नहीं आएंगी, आप कभी नहीं समझेंगी, जो आपके दिल में आएगा वही करेंगी। सब ठीक है यार, छोड़ो ये सब कुछ, मैंने कहा ना छोड़ो। क्या होगा अगर नहीं छोड़ूंगी, मुझ पर चिल्लाओगे, जलील करोगे फिर से मुझे? ठीक है मैं सॉरी कहता हूं, मानता हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहा था तुमसे कोई पेन किलर ले लेना। तुम्हें इससे क्या, मैं अपने किए की सजा भुगत रही हूं, मैंने अभी माफ नहीं किया तुम्हें। कमॉन हयात, मैंने अभी तुमसे माफी तो मांगी है ना। किस चीज की? हाँ हयात, वो सब कुछ जो तुम उन फजूल पर्चियों पे लिख कर आई थी, वो क्या लिखा था? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं, तुम खुश रहना अकेले, और इसके अलावा पता नहीं क्या कुछ लिखा था। वो बिल्कुल मजाक नहीं था। तो वो आपके दिल की आवाज थी? हाँ वो मजाक लग रहा था, वो सब मेरे दिल की आवाज थी। ओ वाकई? यस सही है, मेडिसिन जो आपने मंगवाई थी। चलो मेडिसिन खाओ और वहां सो जाओ, मैं यहां सो जाता हूं। आ रही थी। इतनी देर से कहां थी? मुझे काम था कुछ। क्या आपके पास आज कोई काम नहीं है मिस हयात? इसीलिए तो मैं यहां आई हूं। अब समझा नहीं? मैं समझाती हूं। मेरा एपिक के साथ एक प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट सार्टे का है, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, इसीलिए हमें पैसे चाहिए। अब तो तुम कंपनी में पार्टनर हो चुकी हो। हाँ पैसे तो तुम्हारे पास भी बहुत है। मेरे पास? हाँ बिल्कुल पैसे हैं तुम्हारे पास। ओ क्या ये सच है? हाँ झूठ क्यों बोलूंगा मैं? फिर मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? डार्लिंग ये कोई मजाक नहीं है, तुम आराम से घर जाओ और मेरे लिए अच्छा सा डिनर तैयार करके रखना। क्या सोच रहे हो अब तुम? मैं अब कुछ भी नहीं सोचता हूँ, डिनर में सब कुछ सच बता दूंगा। अच्छा कौन सा सच? सबर भी कोई चीज होती है, इंतजार करो डिनर का। यस मिस्टर तैमूर आए हैं सर। उनसे कहो 5 मिनट वेट करें। ओके ओके
शाम को डिनर पर मिलते हैं। तो फिर ठीक है, शाम को। आइए आइए तैमूर साहब आइए। बहुत शुक्रिया।